बिहार के मधुबनी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ दबंगों ने एक सरकारी स्कूल को बंद करवा दिया, साथ ही साथ सामुदायिक भवन में ताला भी जड़ दिया। बता दें कि ये पूरा मामला जिले के रहिका प्रखंड स्थित मीना बाजार का बताया जा रहा है। बता दें कि इस स्कूल में 1 से 5वीं तक के छात्र पढ़ाई करते हैं और लगभग 100 से ज्यादा छात्र इस स्कूल में नामांकित हैं। और फिलहाल बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि कुछ दबंगों ने इस सरकारी स्कूल को बंद करा दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। 50 बच्चे थे, 50 बच्चे को उठा के गाँव वाला सब रुचा लगा था, उठवा के हम लोगों को भी हटा दिया, वहाँ से ताला मार के हम लोग से खूब लड़ने झगड़ने लगा। अंत में बी ओ साहब से बातचीत हुआ, बी ओ साहब को बोले तो बी ओ साहब से बातचीत हुआ तो बी ओ साहब को भी उल्टा उल्टा लड़का सा बोलने लगा। बोला 10 दिन रहने देने के लिए, जब तक शिफ्ट नहीं होता तब तक रहने देने, शिफ्ट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बोला नहीं, उस पर भी दस चो मतलब उल्टा उल्टा बी ओ साहब को भी दस चो बात कहने लगा, तुम ताम करने लगा बी ओ साहब सब को, उसको ताला जड़ दिया उसमें। हाँ, ताला जड़ दिया, बच्चे सब भगा दिया, हम लोग भी भगा दिया, ताला जड़ दिया उसमें। वहाँ बंद हो गया स्कूल। हाँ, वहाँ बंद हो गया। अभी कहाँ चल रहा है पढ़ाई? अब से यहाँ चल रहा है, अपने घर में पढ़ा रही है। अपने घर में मध्याह्न भोजन है। कितने से कितने तक स्कूल चल रहा है, कौन क्लास? 1 से 5 तक। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, जिसमें 50-60 बच्चे जरूर आ जाते हैं। शिक्षक कितने हैं? 3 शिक्षक। आपका नाम? कुमारी। इसकी जानकारी पूरे पदाधिकारी सबको लिखित रूप से दिए हुए ना? इसकी जानकारी हम लोग सब शिक्षा में मिलती है। और ज्यादा जानकारी के साथ मधुबनी से हमारे सहयोगी गौरव फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दबंगों ने एक सरकारी स्कूल को बंद करवा दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? जी रितिका, ये सरकारी स्कूल जो है तो रहिका प्रखंड के मीना बाजार रोड स्थित नगर निगम क्षेत्र के मीना चौक पर जो है तो एक सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा था। एक वर्ग 1 से लेकर 5 तक की ये जो है तो सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा था, नया प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। बताया जा रहा है कि कल कुछ दबंग व्यक्ति जो है तो आस पास के आए और स्कूल से सभी बच्चों को और टीचर को निकाल करके उस सामुदायिक भवन में ताला जड़ दिया और स्कूल को बंद करा दिया। इसके बाद इसकी जानकारी जो है तो वहाँ की जो HM है ललिता देवी, उसके द्वारा DPO सर्व शिक्षा अभियान शुभम शोधन और BO उनको जो है तो लिखित रूप से दी, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी हरकत में तो आए हैं, लेकिन आज इस ओर जो है प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण HM जो है अपने आवासीय परिसर में बच्चों को बुला करके स्कूल को संचालित की। दो टीचर भी उनके साथ थी। जब इसको लेकर के SS सर्व शिक्षा से बातचीत की गई, सर्व शिक्षा अभियान के DPO से, तो उन्होंने साफ कहा कि इसको लेकर जिला प्रशासन को लिखा गया है, जिला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप कल करेगी और जो सामुदायिक भवन है उसको खाली कराया जाएगा, दबंगों से ताला खुलवाया जाएगा और स्कूल उसी में संचालित होगा। सबसे बड़ी बात है रितिका की जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्होंने जो बच्चों के भविष्य पर जो दबंगों ने ग्रहण लगा दिया है सामुदायिक भवन में संचालित स्कूल में ताला लगा के, उस पर मौन जो है तो धारण कर लिया है। ये कहीं ना कहीं एक समाज की विकृत मानसिकता को भी दर्शाता है। इस पर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, प्रशासन के साथ मिलकर के बातचीत करना चाहिए। समाज के लोगों की माने तो उसी सामुदायिक भवन में अपने जो कुछ विवाह शादी वगैरह के कुछ काम वहाँ निष्पादित करते हैं, लेकिन शिक्षा की जहाँ तक बात है, जगह के अभाव में, भवन के अभाव में सामुदायिक भवन में स्कूल चलाई जा रही थी, वह आप ही प्रभावित हो गया है, बच्चे के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। रितिका, कल सिविल SDO वहाँ पहुँचेंगे और ताला खुलवाने की प्रशासनिक जो है व्यवस्था की जाएगी। जी रितिका जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।